इतना जल्दी क्यों आ गई यार? यूट्यूब चैनल, और जैसा कि मैंने बोला था कि और भी वीडियोस आएंगी, तो ये अभी यार आगे तो अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं. क्यों रेडी हो चुके हैं? क्योंकि कहीं जाना है, और कहीं जाने के लिए कौन इतना जल्दी उठता है यार. तो अभी हमको कहीं जाना है. कहाँ जाना है थोड़ी देर में पता चल जाएगा, और शुरू करते हैं वीडियो. तो हम रेडी हैं निकलने के लिए. ऑल सेट टू गो. बाय. हमारा सफ़र शुरू होता है हनुमान जी के दर्शन के साथ, और उसके बाद मैं अपना कैमरा अपने भाई को पकड़ा देती हूँ और ऐसा प्रिटेंड करती हूँ जैसे मेरे को पता ही नहीं है कि कोई मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है. जस्ट लुक एट मी, कितनी शरीफ लग रही हूँ ना. लगभग लगभग 40 से 50 मिनट ड्राइव करने के बाद हम सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं अपनी लोकेशन पे, जो कि है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट. यस, आई एम गोइंग समवेयर बाय फ्लाइट. और मेरे हर बढ़ते कदमों के साथ मेरी हार्ट बीट भी उसी स्पीड में बढ़ती चली जा रही थी. ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला था, दैट टू आई एम ट्रेवलिंग ऑल अलोन. ओके, उसके बाद जब मैंने अंदर एंटर किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं आ तो गई हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुकी हूँ, और अभी तक कोई भी काउंटर ओपन नहीं हुआ है. तो मुझे 10 मिनट लगभग वेट करना पड़ा था उसके बाद में. A few moments later. Seconds later. वीडियो में तो आपको देख लिया होगा कि हम लोग कहाँ पे आए हैं. तो यस, आई एम गोइंग समवेयर. बाय. ओह माय गॉड, वाओ. एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है. यार यहाँ पे इतनी शांति है ना कि एक मतलब हल्की सी पिन भी गिर रही है ना तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो हमको बोलने में अजीब लग रहा है. कोई आ रहा है? बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा शांति. हमको लग रहा है कि कोई इधर से निकल रहा होगा और उसकी आवाज़ हमको आ रही है. एनीवेज, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी आ चुकी हूँ. मुझे लगा था कि इन केस अगर कहीं पे जाम मिल गया या फिर कुछ भी हो सकता है, यू नो, कहीं सड़क पे पेड़ गिरा मिल सकता है, एनीथिंग. तो इसी वजह से सुबह मैं 2:30 बजे उठी थी. 2:30 बजे उठने के बाद 4 बजे तक हम लोग घर से निकले थे. 4 बजे निकले और 4:40 के आसपास आई गेस आ गए थे. पहले ही आ गए थे आई गेस. हाँ, कितना आई गेस बोल रहे हो मेरी पागल हो गया. मेरी शक्ल देख के लग नहीं रहा होगा कि मैं 2:30 बजे उठी हूँ, और मैं कल भी ठीक से नहीं सोई थी, मैं परसों भी ठीक से नहीं सोई थी, और आज भी ठीक से नहीं सोई थी. तो क्या नाचो मैं? मैं बाहर ज़्यादा बोलने नहीं वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत लोग बात करते रहते हैं, थोड़ा शोर होता रहता है. तब तो बोलूँगी यार, इतनी शांति में बोलूँगी, सब लोग मुड़ के मुझे ही देखने वाला है. तो नो, एक तो वैसे ही पता है आधा दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो रखा है मेरा. मतलब डर लग रहा है अंदर से, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. एक्साइटमेंट जितनी है उतना ही डर भी है. तो देखते हैं यार, आई होप
मजा तो आएगा, ऑब्वियस मजा आएगा। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतना मेरा मिक्स मैच जो चल रहा है ना इमोशंस का, आई हैव नो वर्ड्स, लिटरली नो वर्ड्स, बट लेट्स सी। वैसे यहाँ पे पता है किसी को देख के लग नहीं रहा होगा कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, क्यों नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैंने ना इतने ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ देख लिए थे ना, मेरे को एक एक चीज़ पता थी कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे बैकड्रॉप करना है, फिर क्या करना है, वहाँ से क्या लेना है, फिर किधर जाना है, फिर क्या होगा, मतलब एक एक चीज़ पता थी। तो अच्छे से हो गया सब कुछ अभी तक तो, और आई गेस आगे भी अच्छे से होगा, और यार एक चीज़ तो बताना भूल ही गई, यहाँ की लाइट ना बहुत डरावनी से अपने आप ऑन ऑफ हो रही है, पता नहीं इसको क्या हो रखा है। अच्छा हाँ, बाय द वे इग्नोर माय बैकग्राउंड, क्योंकि और कोई जगह मिली ही नहीं है, बाहर इतने ज़्यादा शांति से सब बैठे हुए हैं कि वहाँ तो कुछ बोल भी नहीं सकते। एक पता है मैं अपने बैग की जिप ऑन ऑफ, मतलब ओपन और बंद भी कर रही हूँ ना, तो मेरे बैग की जिप की आवाज़ आ रही है यार, मतलब हद लेवल की शांति है, इतना थोड़ी ना शांत रहना चाहता है। थोड़ा बात बात करें सब, थोड़ा शोर वोर करें, सब अच्छे लोग आ गए यहाँ पे, तो एक हम ही नालायक है। ठीक है, तो मिलते हैं आगे, जब तक के लिए बाय। अच्छा बेसिकली ये शिवलिंग है, और इसके अगल बगल मतलब साइड साइड्स में खूब सारे लोटस बनाए गए हैं, और इसके बीच में एक मिरर है ताकि लोग अपना फोटो वोटो खींच सकें। मैं जितनी छोटी, मतलब लाइफ में पहली बार लग रहा है कि हाइट बहुत कम है अपनी, लंबी हो जाओ। ओके, इतना टैलेंटेड लोग होते हैं ना, इतना अच्छा अच्छा ड्रॉ कर लेता है। एक हाँ मैं, मतलब टैलेंट तो है ही अपने पास, थोड़ा कम है। और हम जहाँ बैठे थे वो जगह पूरी भर चुकी है, क्योंकि हम बहुत देर से यहाँ पे टहल रहे हैं, मतलब आधे घंटे से तो हम इधर ही हैं। अब जाते हैं, देखते हैं जगह मिलती है वहाँ बैठते हैं। वहीं के सुरंग पे और यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर। Excited, nervous. Oof. 1 hour later. आई वॉज अबाउट टू पुट माई लेफ्ट लेग फर्स्ट, बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, किसी भी शुभ काम के लिए राइट लेग पहले रखा जाता है, राइट? तो यहाँ पर फिर मैंने अपना लेफ्ट लेग रोक के अपना राइट लेग पहले अंदर रखा, और मैं कितना लेफ्ट राइट कर रही हूँ। प्लीज़ टेल मी वाई माई एयरप्लेन इज स्मोकिंग, क्योंकि यहाँ तो धूम्रपान मना है ना। मेक योर फूड चॉइस चिल्ड्रन। ओह माय गॉड, इट्स हैपनिंग, श्री गणेशाय नमः। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं रनवे पे, और कसम भगवान की इतना ज़्यादा डर लग रहा था। बट अब मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार प्लेन से उतरना चाहो तो अब तो उतर भी नहीं सकते हो, क्योंकि इतना दूर तक, मतलब रनवे तक आ चुके हैं, तो क्या ही होगा। तो फिर मैंने ये सोचा खुद से कि यार ज्योति, अब तो तुमको सहना ही है जो होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर कम्स, लाइक ओके। पर फिर प्लेन की जो स्पीड बढ़ी, ओ भाई साहब, आई वॉज लिटरली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ओके। और मेरे दिमाग में इतने सारे नेगेटिव थाट्स चल रहे थे, और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं हंसूँ कि मैं रोऊँ, कि मैं किसी से कुछ बोलूँ, कि मुझे कैसा फील हो रहा है, कि ये नॉर्मल है, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था।
और कसम मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे ना कि यार क्या होगा अगर प्लेन टेक ऑफ करता है और कोई बर्ड से टकरा जाता है और प्लेन में आग लग जाती है तो क्या होगा, अगर प्लेन क्रैश कर जाएगा तो क्या होगा, कहीं मेरा लास्ट डे तो नहीं है, और मतलब सब कुछ नेगेटिव यार, सब कुछ नेगेटिव। बट विथ ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स आई फ्लाइड इन टू द क्लाउड्स एंड ओ गॉड थैंक यू सो मच, बट सेफली पहुँचा देना प्लीज़। और हाँ, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी ये सोच के कि यार माई यंगर सेल्फ शुड बी सो प्राउड ऑफ मी एंड सेइंग कि जस्ट लुक एट हर हाउ फार शी हैव गोन एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर दिस दैट लाइक। Crying again and I am thanking God actually ki thank you for proving me wrong, thank you for proving that I am capable of things that are beyond my imagination and thank you for everything। And I guess ye hum Delhi aa chuke hain aur ye Lotus Temple hai। I don't know Lotus Temple ki alag se tickets वगैरह लगती है या नहीं, but अगर लगती है तो मैंने तो free में देखा और free में VIP भी देखा एकदम। जोक्स अपार्ट, यहाँ पे हम लोग लैंड कर रहे थे और एक टाइम ऐसा आया था जब मुझे लगा कि हम लोग सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं, तो मैंने एक लंबी सी सांस ली। बट बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। मुझे इंस्टेंट रियलाइजेशन हुआ कि नहीं बहन, बट खुशी की बात यह है कि हम लोग सही सलामत और जिंदा एकदम आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, सो आई एम हैप्पी। Ganesha, it was a beautiful journey, thank you। हम बस यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, someone is already waiting for me there, so I just saw them and it's now a little bit awkward to record, so बाद में करते हैं, okay? बहुत देर से वेट कर रहे थे क्या? फ्लाइट थोड़ा लेट हो गई थी। हाँ, लेट तो हो गया था। गाइस ये देखो हमारे साथ साथ कौन दिल्ली आया है। तो इसी के साथ फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल लोकेशन पे जहाँ पे हमको स्टे करना है। और सिर्फ स्टे ही नहीं करना है बल्कि यहाँ पे अभी एक गूगल का इवेंट होने वाला है जिस पे मेरे को जाना है, और ऑब्वियसली उसी के लिए इतना दूर आई भी हूँ, थोड़ा सा उसके लिए एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा उसके लिए नर्वस भी हूँ, सो ऑल द बेस्ट टू माई सेल्फ। गाइज ये तो कहाँ मैं भूल भुलैया में आ गई थी, आई वॉज सो कन्फ्यूज कि यहाँ के रास्ते इतने अजीब क्यों हैं, तो मैं बस नंबर देख के चल तो रही थी इधर उधर, बट मुझे लग रहा था मैं रूम तक पहुँच जाऊँगी, बट रूम से वापस कैसे जाऊँगी आई डोंट नो। और उसमें भी एक तो मेरे अगल बगल, मतलब मेरे रूम के आसपास जितने रूम्स थे मैक्सिमम में सब में फॉरेनर्स भरे हुए थे, ठीक है, तो ये और ऑकवर्ड था मेरे लिए पूछना कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या होगा, क्योंकि मेरे से इंडियन तक से बात नहीं होती यार। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। फाइनली हम आ चुके हैं अपनी जगह पे, मतलब अपनी जगह मतलब जहाँ आना था हम वहाँ पे आ चुके हैं। और बात करूँ अगर फ्लाइट की, क्योंकि उसमें मैं कुछ बोल नहीं पाई थी और वहाँ पे ऐसे सिचुएशन भी नहीं था कि मैं कुछ बोलूँ, ऐसे लोग सारे दिस इज मी। हाँ मैं फ्लैश लाइट ऑन करके रिकॉर्ड कर रही थी, नेवर माइंड, तो रुको ऑफ कर देती। तो इतना 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 मज़ा आया क्या, स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं लगा, मतलब जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, बट लैंडिंग के टाइम पे जैसे ही उसका जो टायर था वो फ्लोर को टच किया, इट वॉज लाइक
गए, खत्म खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बट कुछ हुआ नहीं उतना यार, मतलब उतना जितना सोच के डर रही थी वैसा कुछ था नहीं। मेरा रूम कैसा है वो हम बाद में दिखाएंगे, अभी पहले मैं फ़ोन चार्जिंग में लगा लूँ क्योंकि बैटरी डाउन हो गई है फ़ोन की भी और मेरी भी, तो फ़ोन चार्जिंग में लगा लूँ। इवेंट है 1 बजे से, तो उसके लिए भी रेडी होना है और पहुँचना है टाइम पे। और फ्लाइट थोड़ी सी डिले थी, तो उसके बाद से सारी चीज़ें डिले होती चली गई, फिर उसके बाद ट्रैफिक जाम था हुआ सारा, तो ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आपको कैसा है मेरा रूम, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, क्या क्या सब कुछ है। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सिली एंड कीप वॉचिंग ज्योति। बाय द वे, भूल गई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग ज्योति।